हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह का बज रहा है 10 और मैं जा रही हूँ ससुराल। आई एम सो सॉरी, मैं सुबह से कोई भी मतलब वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई बिकॉज बहुत सारा काम था। राहुल जी के लिए खाना बनाना था, हम लोगों को खुद के लिए खाना बना के फिर खा के फिर निकलना था। तो सुबह सुबह समझ ही सकते कितना काम हो सकता है। तो बस हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे और मैंने पहना है साड़ी। और बाबू का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है एक्चुअली, उसको थोड़ा सर्दी हो गया, आपको उसका फेस देख के भी लग रहा होगा। और यहाँ पे मैं, पापा और बाबू जा रहे हैं, मतलब मेरे ससुर, ससुर को भी पापा बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा बाहर का सीन दिखा रही हूँ। मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा बाहर का आप लोग को दिखाती हूँ। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आता है तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो हम लोग जब रास्ते में, आधे रास्ते आए तो पता है इतना बारिश होने लगा ना, मैं उसका सीन अभी दिखाऊंगी, मतलब गजब का बारिश हो रहा था। हे गाइस, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बादल कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा था और मौसम बहुत ज़्यादा, एक पूरा अंधेरा अंधेरा। और जैसे जैसे हम लोग मुजफ्फरपुर इन कर रहे थे ना, वैसे वैसे अंधेरा छा ही रहा था। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कितना अंधेरा था पूरा। इतना तेज का बारिश आया ना, मतलब सच बताओ बहुत तेज का बारिश आया। मैं आप लोग के साथ सोची चलो थोड़ा शेयर कर लेती हूँ आप लोग के साथ। मैं तो सोची भगवान अच्छा हुआ खुद के गाड़ी से आए और नहीं अपने गाड़ी से नहीं आते। अगर बस बस से आती तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होता, क्योंकि एक तो बाबू और उसके पास इतना सामान, फिर वहाँ जाना आना। आप देख सकते कितना अंधेरा हो गया। ये जो मैं वीडियो आपको क्लिप दिखा रही हूँ, ये दोपहर का 1 बजे का है। और दोपहर का 1 बजे जब ऐसा सीन हो सकता है तो आप समझ सकते हैं गाइस कि मतलब लग रहा था कि तो पूरा रात हो गया, ऐसा अंधेरा आप देख सकते हैं। और आपको बिलीव नहीं होगा ना, तो मैं अभी आपको टाइम भी दिखाती हूँ कि देखिए 1:08 हो रहा है, 1 PM देख रहे हैं ना, दोपहर का 1 बज रहा है गाइस। सो देखिए, देखिए डेट भी देख लीजिए, आज 25 तारीख है और 2020 का, और मतलब इतना अंधेरा दोपहर के 1 बजे, ऐसा अंधेरा मैं सोच भी नहीं सकती थी सच में। मेरा तो एकदम मन डर गया था कि अरे ये क्या हो गया। ऊपर से एक बच्चे के साथ आप ट्रैवल करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है गाइज। और ये वीडियोस मैं एडिट कर रही हूँ अपने ससुराल में आके, मतलब आज तो मैं आई हूँ तो आज ही मैं सोची एडिट कर लेती हूँ रात में, बिकॉज शांति है माहौल अभी मेरे रूम में, बाबू सो गया है, तो मैं ये एडिट कर रही हूँ और कल सुबह पब्लिश करूँगी। देख सकते कितना अंधेरा हो रहा है, इतना तेज का बारिश हो रहा है ना कि मैं आपसे क्या बोलूँ, बहुत तेज का बारिश हो रहा था, हद से ज़्यादा। आप देखें ना, थोड़ी पहले बिजली भी कड़क रहा था, मतलब बहुत तेज का बारिश हो रहा था। तो मैं तो एकदम परेशान हो रही थी, मैंने कहा ये क्या हो गया आज ही के दिन, मैं ऐसे परेशान, मेरा फेस अजीब सा हो गया। मैं सोचने की ये क्या हो गया यार, आज तो बारिश नहीं होना चाहिए। तो कोई नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता ना, एक्चुअली बात है कि हमारे हाथ में साथ में कुछ होता नहीं है। और गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सर पे बार बार पल्लू क्यों रख रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ हमारा भी कल्चर होता है। तो हमारे कल्चर में ये है कि हमारे अगर ससुर हैं या फिर कोई बड़े जेठ हैं तो उनके सामने हम सर पे पल्लू डालेंगे। तो आगे मेरे पापा बैठे हुए हैं, आप समझ सकते हैं आगे पापा हैं, तो मैं मतलब मेरे ससुर हैं, इसलिए मैं बार पल्लू रख ले रही थी, कभी गिर जा रहा था फिर बाद में रख ले रही थी। सो यहाँ मैं बाबू के साथ थोड़ा सा क्लिप ले ली थी आप लोग को, साइड में रख के, जो वीडियोस थोड़ा काला काला भी आ रहा था क्योंकि थोड़ी सी रोशनी की प्रॉब्लम थी इस वजह से, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रहा था गाइस। और मैं सोची कि चलो थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा कॉल आ गया था, तो मैं वो चेक कर रही थी क्या किसका कॉल आ गया। तो बस यही सब है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अच्छा हुआ था हम लोग घर से खाना खा के निकले थे, बिकॉज़ बाबू के लिए भी ले लिए थे हम लोग चिप्स, उसके बाद चॉकलेट्स, ये सब बाबू के लिए ले लिए थे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता। चलो अपना तो चलता है, और पानी का बोतल तो मैं लेके ही चलती हूँ। तो Hey चलिए गाइस, guys, तो मैं सुबह में आपसे बात नहीं कर पाई थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी।
और बाबू को देखिए कितना परेशान कर रहा है, गाड़ी में भी शांति से नहीं रह सकता ये, है ना, शांति से नहीं रह सकता है। और बाहर पे हो रहा है बारिश, रुको रुको उसको बंद करने दो, बाहर हो रहा है बहुत तेज का बारिश, और बहुत मुझे आइडिया नहीं था इतना मौसम इधर का खराब होगा। जैसे जैसे देख रहे हैं बात भी नहीं करना था, जैसे जैसे मुजफ्फरपुर में इन कर रहे थे ना, वैसे वैसे बारिश का मौसम इतना खराब हो रहा था कि मतलब क्या बताया। वो तो घर से पानी ले लिए थे, दिखाती हूँ मैं, देखो घर से पानी ले लिए थे, वरना तो उसका भी दिक्कत हो जाता फिर से। और बस यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुके हैं हम लोग, तो वो भी बहुत भयंकर, तो मतलब बारिश और भी लगता है कि होगा क्योंकि मौसम बहुत ही खराब है, बहुत ज़्यादा गाइस खराब है। सो बाबू से थोड़ा सा बातें कर लीजिए, चलो तुम बैठो, रुके मैं आप लोग से थोड़ी देर में बातें करती हूँ, लड़का बात भी नहीं करने दे रहा आप लोग से। और बस यहाँ से मेरे ससुराल का दूरी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 1 घंटे लगेंगे, इसे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। तो पापा गए हैं अभी बाहर। मम्मी बेटा वही 10-15 में हम लोग वहाँ से निकले थे अररिया से, और उम्मीद है कि हम लोग पहुँच जाएंगे जल्दी। तो चलिए गाइज बात करती हूँ मैं थोड़ी देर में, बाबू बहुत परेशान कर रहा है। हे गाइज, तो मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बताना भूल गई कि मेरे ससुराल में नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है। सो मैं अभी चाय पी रही थी, नाश्ता की, और नाश्ता करने के बाद मैं चाय पी तो मुझे याद आया एक बार में, मैं सोची कि एक वीडियो है जो मैं एडिट कर चुकी हूँ, सेव भी हो चुका है, उसको बस पब्लिश करना है, तो मैं सोची घर जाके करूँगी, फिर याद आया कि घर पे तो नेटवर्क का बहुत ज़्यादा, हाँ बेटा एक सेकेंड, तो मैं सोची घर जाके तो नेटवर्क का बहुत बड़ा इश्यू होने वाला है, मैं देखते हैं क्या होता है, कुछ तो जुगाड़ बैठाऊँगी कि आप लोग के यहाँ मेरा वीडियो जा पाए, आप लोग देख पाए, अपडेट में रहूँ, देखती हूँ क्या करूँ, जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम है, देखते हैं। तो चलिए गाइस घर जाती हूँ फिर आप लोग से बातें करती हूँ। हे गाइस, तो फाइनली मैं अपनी ससुराल बस पहुंच ही गई हूँ, तो चलिए मैं आप लोग को मैं ससुराल का मेन गेट का दिखाती हूँ बाहर का। तो मैं ससुराल पहुंच गई हूँ, इतना ज़्यादा थकावट हो गया था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो देखिए ये है मेरे घर के बाहर का सीन, और यहाँ पे मेरे भांजा भांजी और मेरी सास तो खड़ी हैं। मैं पहुंच चुकी हूँ ससुराल अपने रूम में, बहुत ज़्यादा थक गई थी, एकदम परेशान, और मैं बहुत ज़्यादा लहठी पहन के नहीं आई थी या फिर चूड़ी कुछ नहीं, बस ये 3-3 पीस डाल लेती थी, और इतना थक गई हूँ ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। फाइनली पहुँच गए, और बस मैं सोची आप लोगों को बता दूँ कि पहुँच गई हूँ, और ये मेरा बेड है, मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगी फिर कभी, अभी तो रहना है यहाँ पे कुछ दिन के लिए, और देखती हूँ कब तक रहती हूँ, होली तक तो रहना ही है ऑब्वियसली, अभी तो पहले यहाँ से कहीं जाना है, फिर होली में भी रहना है, राहुल जी फिर होली में आएंगे। और यहाँ पता है यहाँ पे ठंड थोड़ा है, वहाँ रड़िया में तो उतना ज़्यादा ठंड नहीं था, बट यहाँ थोड़ा ठंड है। और पता है मेन बात क्या हो गया, सोचिए क्या हो गया, मेरा सॉल जो है ना वो छूट गया। हे गाइस, तो यहाँ बाबू खेल रहा है और यहाँ मम्मी आटा गूंथ रही थी, और मैं यहाँ पे बस अब सब्जी बनाने के लिए आ चुकी हूँ, तो चलो काम तो है वो तो डेली का करना ही है। तो मैं एक्चुअली थक तो बहुत ज़्यादा गई थी, पर फिर सोची कि चलो थोड़ा सब्जी बना लेते हैं, मम्मी आटा गूंथ रही थी, मैं सब्जी बना के फटाफट रोटी बना लूँगी, हो जाएगा काम ख़त्म। तो बस यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ, मैं सब्जी को फ्राई कर रही थी, और सोची चलो थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ अपना किचन। मेरा किचन ये ठीक से अरेंज नहीं है, मैं यहाँ पे आती हूँ तो अरेंज कर देती हूँ, फिर जाती हूँ तो फिर वैसे का वैसा ही हो जाता है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं मम्मी से बात करते करते काम कर रही थी,
और मैं आपको यहाँ का किचन दिखाऊंगी, पूरा रूम दिखाऊंगी। मैं सोच रही थी कि आपको पूरा अपना रूम दिखाऊं, बट कभी नहीं दिखाई, शायद एक दो बार दिखाई होगी तो दिखाई होगी, मुझे इतना ध्यान नहीं कि मैं दिखाई हूँ कि नहीं दिखाई हूँ, बट मैं आपको होम टूर ज़रूर करवाऊंगी। और अभी ससुराल में आई हूँ तो कुछ दिन रहूँगी तो आराम से कराऊँगी आप लोग को। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ, किचन में काम कर रही थी, एक साइड दूध बॉयल कर रही थी और इस साइड में सब्जी बना रही थी। तो चलिए खाना वाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपके साथ, क्योंकि हमारा तो काम, हम औरतों का काम कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, जहाँ जाओ वही काम शुरू हो जाता है ना। तो और वो भी लाइफ में तो कभी काम, मुझे लगता ही नहीं कि लाइफ में कभी काम ख़त्म होने वाला। सो गाइस, जो कुछ फैला हुआ है उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि नहीं आयरन से रख पाते हैं यहाँ के लोग, तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। तो प्लीज़ ये जो इतना फैला हुआ सामान है तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा और आप बस वीडियो इंजॉय कीजिएगा। चलिए मिलते हूँ आपसे काम करने के बाद। ये गाइस, तो मैं खाना बनाने के बाद आ चुकी हूँ। मैं फिर ये साड़ी चेंज की थी और साड़ी चेंज करके मैंने सूट पहना है। आप ये मत कहिए कि आप हमेशा यही जब यहाँ पे आती है तो यही सूट क्यों पहनती है, बट एक्चुअली ये सूट मेरा बाहर ही रखा हुआ था तो मैंने ये पहन लिया। अभी मैं अपने बैग में से सूट तो नहीं ये निकाली सारा हूँ, काम इसलिए हो मैंने चुका इसी को है पहन लिया है। और कोई काम नहीं बचा हुआ है। और प्लीज़ ये सबको थोड़ा सा ना आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे आई हूँ ना, और वो ऊपर वाले में ना पूरा टेडी बियर है, उस ये ग्रीन वाले में ना पूरा टेडी बियर मैंने ढक के रखा था। तो अभी मैं आई हूँ तो मैं अपना रूम ठीक नहीं की हूँ, बस थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे जो बहुत सा डस्ट था ना वो मैंने बस साफ़ किया है बस। तो आप लोग मेरा रूम देख रहे हो, लेकिन मैं इसे ठीक कर लूँगी तो मैं आप लोग को अच्छे से दिखाऊंगी। और उस साइड मैं नेट निकाली हूँ अभी अंदर से, क्योंकि बाबू है तो नेट तो लगाएंगे नहीं तो मच्छर आ जाएगा। और नेट गुड नाइट भी लगाते हैं, लेकिन नेट लगाने का मतलब है कि बिल्कुल निश्चिंत सोना। तो चलिए ठीक है, ये ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और जो मेरे न्यू चैनल देख रहे हो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।